नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जबलपुर की बात करते हैं, जहां पर पीएम मोदी के फैसले का केंद्रीय मंत्री ने स्वागत किया है। प्रहलाद पटेल ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का स्वागत किया गया है। इंडिया गेट पर अब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी और इस फैसले का केंद्रीय मंत्री ने स्वागत किया है। जबलपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर प्रहलाद पटेल ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को सही बताया। आपको बता दें कि आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया है कि अब इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको जबलपुर से दे रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी के फैसले का केंद्रीय मंत्री ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है, अब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई जाएगी। पहली चीज तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नेताजी की 125वीं जयंती पर पूरे वर्ष भर जो सेलिब्रेशन हुआ, दो दिन बाद 126वीं जयंती आने वाली है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगाई जाएगी। आजाद हिंद फौज के सेनानी, और जब मैं संस्कृति मंत्री था तब ये प्रस्ताव था कि जो छतरी वायसराय के लिए की मूर्ति के लिए बनाई गई थी उसमें नेताजी की प्रतिमा लगे, और वहीं पर हमारे अमर शहीद बलिदानियों का स्मारक भी है। लेकिन मैं जबलपुर की पवित्र धरती पर खड़ा हूँ। संस्कार धानी ने नेताजी को सबसे पहले पहचान दी थी और आज प्रधानमंत्री जी ने उनको सर्वोच्च सम्मान दिया है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो गणतंत्र का सेलिब्रेशन था वो 24, 25 और 26 जनवरी हुआ करता था। प्रधानमंत्री ने दूसरी घोषणा की है कि ये सेलिब्रेशन अब नेताजी की जन्म जयंती 23 जनवरी से शुरू होगा और 26 जनवरी तक चलेगा।